हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। और 5.2 करने से पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए उसको करते हैं। अगर ये बातें जो अभी बताऊंगा मैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल आपको ये आसान सी लगेगी। अब रेखाएं जो है, अगर रेखाओं का युग्म हो जाए, रेखाओं का जोड़ा हो जाए, रेखा युग्म जो है वो किस किस तरह से हो सकते हैं, रेखा युग्म कैसे कैसे हो सकते हैं। रेखा युग्म में एक तो होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होंगी, जैसे कि एक रेखा L, दूसरी रेखा ये हो गया आपकी M, और मान लीजिए ये जो है बिंदु O पर काट रही है, तो O क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रतिच्छेद बिंदु। L और M आपकी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और O आपका क्या है यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पे जहाँ पर दोनों रेखाएं आपकी काट रही हैं वो आपका क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। उसके बाद अगली होती है आपकी तिर्यकच्छेदी रेखा, क्या होती है तिर्यकच्छेदी रेखा, तिर्यकच्छेदी रेखा ये देखिए क्या है। मान लीजिए कोई दो रेखाएं ही है, ये आपकी L है और ये रेखा आपकी कोई है M, और एक ये तीसरी रेखा इनको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तीसरी रेखा P जो है वो इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये रेखा P जो है इन दोनों रेखाओं के लिए क्या है तिर्यकच्छेदी रेखा है। तो ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को, ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, यानी अलग अलग बिंदुओं पर, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यकच्छेदी रेखा कहलाती है, तिर्यकच्छेदी रेखा कहलाती है। आप इसको पूरे वीडियो को देखना, इस जो मैं बता रहा हूँ इन बातों को पहले आपने समझना, उसके बाद आगे जैसे इसी वीडियो में मैं एक्सरसाइज सोल्व करूँगा 5.2, और अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई तो एक्सरसाइज भी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो जल्दी नहीं करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे नहीं खिसकाना, आपने इसको समझना है पूरा जो बता रहा हूँ आपको। अब तिर्यकच्छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, ये सारे हेडिंग आपकी बुक में है भी, तिर्यकच्छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, तिर्यकच्छेदी रेखा कैसे कैसे कोण बना सकती है। तो क्या किया मैंने यहां पे, देखिए मैं दो रेखाएं ले रहा हूं, एक रेखा ये है L आपकी और दूसरी रेखा ऐसे ले ली मैंने M ले ली M, और ये है आपकी तिर्यकच्छेदी रेखा और इसका नाम क्या कर दिया P कर दिया इस रेखा का। फिर कोण बना दिए, ये कोण आपका A है, ये दो है, एक है, ये दो है, ये तीन है, बुक के हिसाब से बुक में यहाँ दे रखा है तीन, और उसको क्या कर रखा है चार। फिर यहाँ दे रखा आपका कोण पाँच दे रखा है, पाँच के बाद जो है इस कोण को छः कह दिया है, इसको सात का है, इसको क्या कहा है आठ का है, ये इनके कोण लिख दिए सारे। अब इसमें नाम देखिए कौन कौन से कोण होते हैं, अंतः कोण कौन से होते हैं, अंतः कोण अगर इस फिगर के अंदर देखें तो आपके अंतः कोण कौन से हैं, तीन चार पाँच और छः, जो अंदर हैं अंतः, यानी कि जो अंदर हैं, अंदर क्या आपके कोण, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच,
और कोण छह आपके क्या है अंतः कोण है। फिर बाह्य कोण सोचो, बाह्य कोण जो बाहर है और बाहर कौन से हैं, एक दो सात और आठ, एक दो तीन, एक दो सात और आठ, ये बाह्य कोण हो गई। उसके बाद संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म वो क्या होंगे, देखिए संगत कोणों युग्म एक और पांच, एक का संगत क्या है पांच, देखिए एक का संगत क्या है पांच, एक और पांच जो है क्या आपके संगत है, ठीक है। उसके बाद आपके दो और छह, दो और छह, देखिए दो और छह, दो और छह ये आपके क्या है संगत है। दो और छह के बाद आपके तीन और सात, तीन और सात, ये तीन और सात, कौन तीन और कौन सात ये संगत है। तीन और सात के बाद आपके कौन से हैं, कौन चार और आठ, चार और आठ, ये चार और ये आठ, कौन चार और कौन आठ, ही हो जाएंगे आपके संगत कोणों के युग्म। एकांतर अंत कोणों के युग्म, एकांतर, एकांतर अंत कोणों के युग्म, एकांतर अंत कोणों के युग्म क्या बनेंगे, एकांतर और अंत, अंतर में, अंत में कौन कौन से थे, तीन चार पांच और छह, एकांतर में ये होगा ये तीन और ये छह, तीन और छह, एक तो ये हो गया एकांतर अंत कोणों का युग्म। दूसरा क्या हो गया आपका चार और पांच, ये चार और इस साइड वाला पांच, चार कोण चार और कोण पांच, अच्छा। उसके बाद एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, एकांतर बाह्य, बाहर तो कौन से एक दो सात और आठ, तो बाह्य की बात करें एकांतर बाह्य कोणों के युग्म एक और आठ, देखिए एक और आठ, यानी एकांतर का मतलब स्त्री रेखा के एक ही साइड में होगा और एक ही साइड में, एक ही साइड में, एक ही साइड में, तो एक हो जाएगा एक और एक के साथ कौन सा होगा आठ। दूसरा युग्म क्या बनेगा, दो का और सात का, दूसरा युग्म किसका बनेगा, दो का और सात का। और फिर अगले जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत कोणों के युग्म, बने अंत कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा कौन सी, ये है एक ही तरफ अंत कोण कौन सा, तीन और पांच, दूसरा चार और छह, तो एक एक युग्म तो क्या हो जाएगा आपका कोण तीन और कोण पांच, और दूसरा युग्म दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा आपका कोण चार और कौन सा कोण छह। ये हमने इस फिगर के हिसाब से सारी कंडीशंस को देख लिया है। अब एक और होता है, अब संगत कोण देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इस फिगर के अलावा, एक एक फिगर और ड्रा कर रहा हूँ अभी मैं, ये कर दी मैंने, ये आपकी दो रेखाएं हैं, ये आपकी तिर्यक छेदी रेखा है, ये एल है, ये ऊपर कर लेता हूँ, ये दो रेखाएं एल है एम है और ये आपकी क्या मान लीजिए पी है। अब यहाँ जो कोण एक और पाँच, ये आपके क्या है संगत कोण, एक और पाँच क्या है संगत कोण, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के क्या है बाईं तरफ, दोनों रेखाओं के या तो कह दो बाईं तरफ या कह दो ऊपर, या तो बाईं तरफ है या तो क्या है ऊपर है, ऐसे हो सकते हैं आपके संगत कोण। दूसरे आपके संगत कोण यूं भी हो सकते हैं, इन्हीं ऐसे ले ली रेखाएं, ये भी आपके क्या होंगे संगत होंगे कोण, एक और दो ये भी संगत हो जाएंगे। और कैसे हो सकते हैं संगत कोण, ऐसे ले ली हमने तिर्यक रेखा मान लीजिए, ये भी आपके क्या है संगत कोण, तो ये संगत कोण ऐसे ऐसे हो सकते हैं। संगत कोण बनाने की फिगर मैंने बनाने की कोशिश करी है, ये सारे मैंने क्या बनाए हैं संगत कोण की फिगर, ऐसे ऐसे हो सकती है, इनका नाम तीन और चार कर दिया मान लीजिए, ये संगत कोण ऐसे हो सकते हैं। एकांतर कोण कैसे हो सकते हैं फिगर के अंदर, वैसे यहाँ सारे बता दिए थे,
इसमें हैं सारे, अलग अलग करके बता रहा हूँ। एकांतर कोण कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो आपकी क्या हैं रेखाएं हैं और ये आपकी क्या है तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण ये और ये दोनों आपके क्या हैं एकांतर कोण, ये आपके क्या हो जाएंगे एकांतर कोण। और कैसे हो सकते हैं ये रेखाएं, तो ऐसे हो सकते हैं, ये भी आपके क्या हैं एकांतर कोण हैं, ये भी आपके क्या हैं एकांतर कोण हैं। अब अगला जो करना है, जो एक्सरसाइज में यूज होगा, मेन जिसका यूज होगा वो क्या है, अब तक तो ये जो रेखाएं थी ना, जैसे हमने ये खींची रेखाएं, ये कैसे भी खींच ली थी, मान ले ये ऐसे ले ली एक रेखा, दूसरी ऐसे ले ली, और ये क्या कर दी थी तिरेक छेदी रेखा ऐसे ले ली थी। अगर रेखाएं ये दोनों समांतर हो जाए, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हो और ये आपकी क्या हो तिरेक छेदी रेखा हो, तो इस तरह के केस में संगत कोण, एकांतर कोण और अंत एकांतर कोण का योग, वो बातें कुछ अलग से बनेंगी, उसके बारे में करेंगे बात। और यही जो है इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा अगर खींचे तो क्या होगा, समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये हैं आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, दोनों समांतर हैं, ये आपकी L है और ये आपकी M है, और ये है आपकी तिर्यक छेदी रेखा जिसका नाम बुक के हिसाब से T दे रखा है। टी कोण दे रखे हैं आपके, देखिए कोण एक और कोण दो क्या होंगे, संगत कोण होंगे, अब ध्यान करते जाना भी साथ साथ। कोण तीन और कोण चार ये भी क्या है संगत कोण है, अच्छा फिर कोण पांच और कोण छः ये भी संगत कोण है, पांच और छः। कोण सात ई वाला, कोण सात और कोण आठ ये भी आपके क्या है संगत कोण है, ठीक है। पहली तो बात क्या होती है कि अगर आपकी दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं अगर समांतर हैं, तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो संगत कोण हमेशा आपके क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो नियम क्या होगा, दो समांतर रेखाएं अगर किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। कोण एक बराबर किसके होगा दो के, कोण तीन बराबर किसके होगा चार के, कोण पांच बराबर किसके होगा कोण छः के, और कोण ये ले लिया सात बराबर किसके हो जाएगा कोण आठ के। अगर दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं समान होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं समान, ठीक भाई। एक और लेते हैं, मान लीजिए ये है आपकी समांतर रेखाएं, L है M है ये आपकी T है, ठीक है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटती हो तो एकांतर कोण, कोण एक और दो अंत एकांतर है भी, कोण एक और दो क्या होंगे आपके बराबर होंगे। कोण तीन और कोण इसका एकांतर कोण क्या बनेगा चार, तीन का क्या बनेगा चार, कोण तीन और चार क्या होंगे आपके बराबर होंगे, इनको बोलते हैं अंत एकांतर कोण, ये क्या होते हैं आपके अंत एकांतर कोण। और फिर आपका जिक्र यहाँ अंत एकांतर कोण का ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे अंत एकांतर कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तीसरी बात और करते हैं, मान लीजिए ये आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, ये आपकी तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण एक और दो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण है भाई, एक और दो का जोड़ कितना होता है 180 होता है।
ऐसे ही कोण तीन और कोण चार जो है इनका जोड़ भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ये नियम क्या होता है कि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक यानी कि जोड़ 180 डिग्री। तो तिर्यक छेदी रेखा इसका नियम अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे, तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने, एक ही तरफ बने अंत कोणों का योग संपूरक होता है या कह दे 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, यहां हमने क्या किया था इस फिगर में किसको कहा था कि संगत कोण समान होते हैं। आप संगत कोण समान ऐसे कर सकते हैं, ये दो रेखाएं, ये तिर्यक रेखा, तो ये देखिए क्या बन रहा है, ये बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, बन गया आपका, मोटा कर देते इसको, एफ बन गया ना, ये एफ, एफ का नियम याद रखने के लिए, ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे एफ बना हुआ, ये क्या बना हुआ यहाँ पे आपका एफ, ये क्या है एफ, एफ ऐसे हो सकता है और कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये आपकी दो रेखाएं हैं समांतर हैं, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो आपकी बार एफ कौन सा बन गया, ये बन गया ये वाला एफ। एफ याद रख लेना, संगत कोण बराबर करने हो ना तो एफ को याद रख लेना, अगर संगत कोण बराबर करने हैं तो एफ को याद कर लेना। यहाँ पे क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, देखिए ये रेखा और ये भी क्या बन गया आपका एफ बन गया ना, ऐसे क्या बना ये एफ, मोटा मोटा दिख रहा है एफ बना हुआ है। यहाँ भी देखिए क्या बना हुआ है, एफ बना हुआ है, इंग्लिश का एफ अल्फाबेट है। और जब बात करते हैं एकांतर कोणों की, तो एकांतर कोण बनता जेड कैसे बनता, देखिए ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा, अब ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर, तो जेड ऐसे ही तो बनता है, ये और ये क्या बन गया जेड बन गया, ये क्या बनता है जेड, जेड का नियम समझ लो आप इसको, जेड ये कोण इसके बराबर। अगर रेखाएं आपके ऐसे हैं, मान लीजिए ये रेखाएं आपकी, तो ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर एकांतर कोणों में, यहाँ भी क्या बनेगा देखिए, ये भी क्या आपका जेड ऐसी, ये भी क्या बना हुआ आपका जेड बना हुआ है। तो एकांतर कोण प्राप्त करने तो क्या बना लेना, जेड बना लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका एकांतर कोण क्या होगा। तो ये तो हमने इस एक्सरसाइज की जो बेसिक जानकारी थी कोशिश की थी। तो यहाँ क्या सीखा हमने कि अगर रेखाएँ समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे और तिर्यक रेखा के एक ही हो, एक ही और बने कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। इससे उल्टा कोई दो रेखाएं हो और अगर उनको तिर्यक रेखा काट रही हो, कोई दो रेखाएं हैं हमें नहीं पता और एक तिर्यक छेदी रेखा है, अगर ये कोण बराबर हैं, ये कोण अगर बराबर हैं तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर, यानी कि उसका उल्टा, अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर और अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर। ऐसे ही जैसे ये रेखाएं हैं, ये क्या आपका ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं मान लीजिए, तो अगर ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं तो L और M आपकी क्या हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी, क्यों ये क्या है एकांतर कोण है। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर और अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर। ठीक है जी, तीसरी जो बात है उसमें क्या है, ये समांतर रेखाएं अभी नहीं पता हमें क्या है ये समांतर हैं कि नहीं है, लेकिन अगर कोण एक और दो का जोड़ 180 आ जाए, कोण एक और दो का जोड़ अगर 180 आ जाए तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी समांतर हो जाएंगी। अगर रेखाएं समांतर हैं तो एक और दो का जोड़ 180 होता है और इसका उल्टा अगर संगत एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग अगर 180 हो तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यानी कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2, अब करेंगे लगभग 19 मिनट की वीडियो के बाद। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक्सरसाइज बड़े आराम से आप कर सकते हैं।